यार पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी अथवा इसका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये खुद बता दे रहा है कि क्या है, पर्सन से बना होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो हो जाएगा द प्रोनाउन दैट डिनोट्स, द प्रोनाउन दैट डिनोट्स, प्रोनाउन दैट डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन can be used as singular or plural parts। पर्सनल प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। अगर पर्सनल प्रोनाउन से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ढंग से देखने की जरूरत है। क्या है द पर्सन, द प्रोनाउन दैट डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस, किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को ये बताता है, ये है पर्सनल प्रोनाउन। यानी आपको जाहिर सी बात है कि पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका निर्माण पर्सन से हुआ होगा, ये भी बताया जाता है, आसानी से उसको लिख दिया जाता है और समय लेते हैं कि ये पर्सन से बना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको पता है यहां से चलने से पहले अगर मैं यहां कह दूं एक दो पर्सनल प्रोनाउन का, तो आई वी यू ही सी एडीसी कर रहे हैं, यही पर्सनल प्रोनाउन है। अब आइए पहले हम पर्सन पर गौर करते हैं। पर्सन यहां दो चीज सीखना है, एक तो मैं आपको टेबल दूंगा, पहले इस पर्सन पर विचार करते हैं कि पर्सन कितने होते हैं। तो पर्सन होते हैं तीन, एक होता है फर्स्ट फर्स्ट पर्सन और दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। ये आपको पता भी है कि पर्सन तीन होते हैं। तो पहली बात कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो फर्स्ट पर्सन जो वक्ता होता है, जो बोलता है वह, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है और वो वहां मौजूद न हो तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें मैं बोला हूं कि ये सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। आई सिंगुलर, जबकि यूज में प्लुरल होता है, ध्यान देना होगा। वी प्लुरल, फर्स्ट पर्सन का यही होता है आई और वी। आई सेकेंड पर्सन जो सुनता है, तो यू तुम, या सिंगुलर और यू
हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यू सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। क्लियर। तीसरा, ही सी इट, ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। क्या होंगे, सिंगुलर। और दे क्या होता है, तो दे हमेशा प्लुरल होता है। इसको इसलिए बताना जरूरी है कि आप समझेंगे कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर भर, प्लुरल के साथ प्लुरल भर। ये है। अब मैं एक टेबल आपको देने जा रहा हूं, उस टेबल को गौर करना है। हो जाएगा टेबल फोर, रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। टेबल फोर, रूल्स ऑफ पर्सनल प्रश्नल प्रोनाउन का एक आपको टेबल देखना है, रूल्स फॉर अ पर्सनल प्रोनाउन। यहां से मैं आपको एक टेबल देने जा रहा हूं जिसकी बहुत जरूरी है। उस टेबल को समझते हैं तब इसके यूज के रूल पर चलते हैं। क्लियर। आइए इस टेबल को समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट अगर होगा तो आई आएगा या वी आएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो नी होगा या अस होगा। यही पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो माई होगा आवर होगा, यही पजेसिव प्रोनाउन होगा तो माइन होगा आवर्स होगा, और इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ और आवर सेल्फ होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप पढ़ चुके हैं। उसी तरह इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखिए, सारा इसको देखना है। और एक यहां नोट तैयार कीजिए, ये है आपका ये टेबल, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल। और इस पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को बढ़िया से आपको देख लेना है, नोट बनाते चलेंगे। अब आगे मैं बढ़ते चलूंगा, यहां से आगे बढ़ो। टेबल को बढ़िया से फॉलो करना है। अब आइए एक नोट यहां बना देते हैं, नोट में बनाइए कि डैग के पहले आए हुए, डैग के पहले आए हुए नाउन, डैट के पहले आए हुए नाउन के अनुसार, के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माइसेल्फ ourselves, yourself, yourselves, himself, herself,
themselves आता है। क्लियर? इसको नोट करके रखें, याद करके रखें, जरूरत के अनुसार में आपसे ये क्वेश्चन का। आइए आइए अब यूज देखते हैं इसका, यानी रूल फॉलो करेंगे तो पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि इज एंड आर वाज इज एंड आर वाज वर बीन is am are was were been plus be ही रहे तो यानी यहां क्या आएगा, तो यहां आएगा subjective case। अभी आपने ऊपर और टेबल देखा है, उस टेबल में आपको पता हो गया है किस केस में क्या है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कहूं कि इट इज अ डॉटर हु इज टू ब्लेंड, और आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं यहां his, be, her, she, he or she, none। क्या भरेंगे? वही चीज है, ध्यान देखेंगे कि इज के बाद हमें क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसमें सब्जेक्टिव केस अकेले। क्लियर? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर दूसरे के तरफ, मिटाते हैं इसको, ध्यान देना है आपको। रूल नंबर टू कहता है कि लेट या एक्सेप्ट तो प्लस ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। कितना अच्छा है, बात समझ गए होंगे तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा। जैसे इट इज अनफेयर टू एक्सेप्ट अ डॉट लगा अ डिसीजन अ डिसीजन, ठीक है। इन दिस मैटर बिकॉज आई एम unaware of the exact nature of the transaction
जैक्सन। ऑप्शन आ जाता है आपको ए माई टेकिंग ऑप्शन आ जाता है, एक क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है माई सेल्फ टेकिंग। सी देते हैं मी टू टेक इट, मी टू टेक इन टेक, और डी दे देते हैं आई है टेक इट। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे रूल को फॉलो करते हैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, इतना पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। ऑब्जेक्टिव खोजेंगे नहीं है, क्या है माय नहीं है, नहीं है ऑब्जेक्टिव, अकेले मी है, इसलिए ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, है कि नहीं। बात समझ में आ गई तो ये ट्रिक और इसको याद रखिए और देखिए कितना हो बड़ा क्वेश्चन, कितना हो बड़ा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं बनता, मतलब है कि आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो क्वेश्चन कब बनेगा, जब आप मेरे रूल को फॉलो करेंगे क्वेश्चन अपने आप बनेगा। चलिए अगला है रूल थर्ड, क्या कहता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा उस पर, अब बनता है और बहुत सारे क्वेश्चन है पूछे गए हैं लेकिन वहां भी हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए रूल नंबर थर्ड पर, ऑल नॉन एवरी, ऑल नॉन एवरी एनी नो एनी नो और एवरीबडी एवरी बडी नो बडी नथिंग एनीथिंग एनीवन। इनके बाद क्या हो, बट हो, तो आप यहां ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस, इसमें से कोई आ जाए और उसके बाद बट दिया हो तो सीधा आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, इसको कॉमन एरर का क्वेश्चन बना दिया जाए, चलिए बना देते हैं ऑल ऑफ देम हैव ऑल ऑफ देम हैव पास्ट बट उससे बनाते हैं बट नो एरर, इसको करते हैं अब बताइए बट बट आई और इसको करते हैं अगेंस्ट, क्या बनेगा बोलिए। तो ध्यान दीजिए कि इसमें ऑल दिखा
और के बाद बट लिखा, बट लिखने के बाद ये रूप कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी, यानी आई के स्थान पर मी होगा। एम आई क्लियर? बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, अब बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ें। अब यहां सेम रूल है, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूं। यहां इसको कहते हैं फोर, तो जब फोर किए हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो बट के बाद मान लीजिए कि भर्ब दिया हो, क्या दिया हो, भर्ब, यानी इनमें से कोई दिया हो, उसका बट दिया हो, उसका भर्ब दिया हो, तब यहां जो केस आएगा वो होगा सब्जेक्टिव केस। मजे की बात, ये रूल आपको शायद कहीं मिले, इसीलिए बेहतर ढंग से यहां सीखते जाइए, है ना। मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि एवरीवन बट, एवरीवन बट, अ डॉट डॉट लगा देता हूं, इज विलिंग टू गो टू, कहां कहीं बोल दीजिए, पिकनिक कर दीजिए, पिकनिक, हिज हर ही दे, ऑप्शन है हिज हर देन, और कुछ करते हैं अगर आपको रूल क्लियर है तो देख रहे हैं कि इनमें से किसी के बाद बट हो और बट के बाद भर हो तो सब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो देखिए इसके बाद बट, बट के बाद, अब ध्यान आया होगा, यानी अब हमें क्या लगाना होगा, तो यहां ही लगाना होगा। क्लियर, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, और एयरफोर्स तो खास बुलाता है इस तरह के चीजों में, एयरफोर्स और एसएससी खूब रुलाता है, इसलिए बाबू 12 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में इसी को कॉमन एयर में पूछे जाते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा रूल क्या कहते, पांचवा रूल कहता है कि अगर दो सब्जेक्टिव के बीच यदि दो सब्जेक्टिव्स के बीच, यदि दो सब्जेक्टिव के बीच तुलना हो, क्या हो, तुलना हो, तो एज या देन, तो एज या देन के बाद, के बाद, एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, ध्यान देना। अब आपको इस वाक पर, ही इज एज फास्ट एज आई थॉट, मीन
him, I, them. सब्जेक्टिव केस, अब इसमें सब्जेक्टिव केस क्या है, एक ही दो है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर हुआ, एक बहुत बड़ा रूल है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें 231 और 123 का रूल पढ़ा जाता है। इसके लिए स्पेशल वीडियो में बनाया हूं खास, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए इसके लिए स्पेशल मेरा वीडियो है। आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको सर्च करेंगे वो मिलेगा। यहाँ इस रूल को पढ़ेंगे, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहने के चलते यह बनाया गया है। क्लियर, तो इसको आप वहां से मेरे देखेंगे, यानी आप इसको आठवां रूल मान ही लें और आठवां रूल के लिए मेरे वीडियो को देखेंगे। कौन सा वीडियो, ऑलरेडी इसको बनाया जा चुका है। क्लियर, चलिए अब है एक चीज और। यहां क्या करता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे रहा है रूल 9। रूल 9, अब रूल 9 क्या कहता है, रूल 9 में बात फंसता है पजेशन का, यानी पजेशन कैसे बताएंगे। यह बात बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि यू ही एंड आई, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड वर्क, और ऑप्शन यहां पजेशन दे, पजेसिव में क्या दे, ए में हिज दे दे, बी में हर दे दे, सी में आवर दे दे और डी में दे दे। क्या बहुत उचित होगा, तो इसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना है। और आपको पता है कि टेबल को वहां देखेंगे, टेबल जो मैं दिया हूं वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा, और मैं इससे संबंधित एक यहां रूल लिख रहा हूं, इस रूल को फॉलो करेंगे। यही रूल मेन रूल है, जिस रूल से आप क्वेश्चन बना लेंगे। क्या रूल है, कहता है कि यू ही एंड आई, ही एंड आई, क्लियर, तो आवर लगाना, क्या लगाएंगे आवर। पहला, दूसरा कहता है कि ही एंड आई, ही एंड आई, फिर यहां तो क्या लगाएंगे आवर ही लगाएंगे, लगाएंगे आवर ही लगाएंगे। तीसरा रूल कहता है कि यू एंड आई, तब भी हम क्या लगाएंगे
ऐसा क्यों हो रहा है तो देखेंगे, तो इसमें आई कॉमन है। आई क्या है बाबू? कॉमन है, यानी अगर एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो आई कॉमन है, अगर यानी आई रहता है तो आप हमेशा क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? आवर। ठीक बोले आप, क्या लगाएंगे? आवर। आई बात समझ में? अगला मैं लिख रहा हूं यहां, तीन को हो गया, वहीं से बनाएंगे चौथा। चौथा एक दो तीन और चार, यू एंड ही, तब क्या लगाएंगे? अब देखो इसमें आई है नहीं है तो आप योर लगाना, क्या लगाओगे? योर। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं पांचवा क्या कहता है। पांचवा कहता है ही एंड सी, ही एंड सी। अच्छा यहां नाम भी हो सकता है कि नहीं? नाम भी हो सकता है ना, याद रखेंगे तो क्या लगाएंगे? देयर। क्लियर? अगला ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी यदि वन दिया हो, क्या दिया हो? वन, तो क्या लगाएंगे? वंस। क्लियर हुआ? अब मैं दो चार पांच क्वेश्चन आपको इस पर करा देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। क्वेश्चन यहां है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से इसको समझ लेना है और इसको नोट्स बना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां बच्चों को दिक्कत होती है। यू एंड ही हैव फिनिश्ड वर्क, है ना जी? यू एंड ही, तो लिखते हैं हर, हीज, आवर और देयर। बोलिए यू और ही, बोलिए कहते यू और ही क्या होगा? यू और ही क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। यू और ही क्या होगा? इसमें कुछ नहीं है, है। और यू और ही होगा तो एक ऑप्शन बदल जाएगा, यहाँ योर होगा, सॉरी ऑप्शन होगा योर। क्लियर? तो देख लिए कि किस तरह से बनाए। जैसे एक और क्वेश्चन लिखें, वन शो लव कंट्री, ऑप्शन ए हिज, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी देयर, ऑप्शन डी वंस। आपको बताया जा चुका है कि वन होगा तो एम आई क्लियर? को रुक कर क्वेश्चन देखते हैं और यहीं पर कमन एरर का क्वेश्चन, सॉरी इसको बना देते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन और देखते हैं आपसे बनता है। आई एंड माय पेरेंट्स, आई एंड माय पेरेंट्स लिव टुगेदर, और ऑप्शन में यहां कहता हूं, पहला ऑप्शन लिखते हैं मी एंड माय पेरेंट्स, मी
ऑप्शन बी माय पेरेंट्स एंड क्या कहते हैं माय पेरेंट्स एंड आई सी माय पेरेंट्स एंड मी है ना जी अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए